हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पिंका चौरसिया के जो एक वेब सीरीज जो आई थी, जिसका नाम था कामिनी भाभी द नेक्स्ट डोर। इसी का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि ये वेब सीरीज मुझे कैसी लगी और अनकट है या नॉर्मल है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए भाई जो हमारे चैनल को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी प्लाव जरूर कीजिएगा। हम बात करने वाले हैं कामिनी द भाभी नेक्स्ट डोर वेब सीरीज के बारे में। इस वेब सीरीज की स्टोरी की कहानी के बारे में बात की तो सबसे पहले बात करता हूँ इस वेब सीरीज की टाइमिंग की। तो इस वेब सीरीज की टाइमिंग जो है शायद 36 मिनट या 30 मिनट की है। स्टोरी शुरू होती है एक, ये अपने घर से बाहर होती है, बालकोनी में खड़ी होती है और किसी भाई साहब को देख रही होती है, और वो भाई साहब एक नंबर कर रहा होता है और उन्हीं को गौर से देखती रहती है। तो देखती है बंदा बंदा जो है एक नंबर कर रहा है, तो उसको आवाज़ लगाती है, तो ये देखता है बंदा, बोला ये भाई इधर आओ क्या करे तुम वहाँ पे। तो ये भाई साहब देखने लगता है और देख के डरने लगता है, तो बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, इधर मैं तुम्हें बुला रही हूँ ना, तुम इधर जल्दी से आओ मैं, और तुम ये क्या करो यहाँ पे। वो बंदा बोलता है मैम कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ, बोला नहीं आओ आओ इधर आओ। तो बंदा आने लगता है और उसके बाद ये गेट से नीचे उतरती है और जाती है उससे मिलने के लिए, बुलाती है। तो बंदा जो है देखते हुए उसके पास पीछे आता है, देखता है क्या हो गया। बंदा जो जाता है तो वो भी डर डर जाता है कि क्या हो गया, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं किया, ऐसे क्या कर लिया। तो ये जब गेट खोलती है तो गेट के सामने ये आ जाती है प्रियंका चौरसिया। फिर प्रियंका चौरसिया इसे अपने रूम में बुलाती है, तो रूम में जाता है ये बंदा, जाने के बाद सोफे पे बैठता है और सोफे पे बैठने में दूर बैठा रहता है, और ये प्रियंका चौरसिया इसको गौर से दिखती रहती है और बोलते क्या हो गया यहाँ, तो आओ पास तो आओ मेरे, डर डर क्यों रहे हो, मैं कुछ तो मैं तो इतनी बुरी थोड़ी ना हूँ। तो ये बोलता है क्या हो गया, बोला मेरी गर्लफ्रेंड थी और उससे मेरा ब्रेकअप हो गया और उसी को याद करके मैं उसका नाम लिख रहा था। तो ये प्रियंका चौरसिया बोलती है देखा मैं तुम्हें नाम लिखते हुए और तुम्हारे पप्पू को भी देखा, बहुत अच्छा है। तो ये बोलती है अपनी गर्लफ्रेंड से के साथ तुमने कुछ किया था या नहीं किया था। तो ये बोलता है नहीं मैं तो कुछ नहीं किया। तो ये प्रियंका चौरसिया बोलती है तुम करना चाहते हो जो तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ नहीं किया वो मेरे साथ करो, आ जाओ कर सकते हो तो कर लो, इतनी बुरी भी मैं नहीं हूँ, बहुत अच्छा है, तुमको बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ करने के लिए। तो पहले तो ये मना करता है भाई, मना करने के बाद फिर कुछ देर बाद ये बात मान जाते हैं और उन लोगों का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सीन के मामले, भाई सीन आपको इतनी खास देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली वैसी चीज़ है और बच्चे के भाई आपकी मैंने पे नहीं किया और कुछ दिन वेट किया और ये वेब सीरीज हमें फ्री में देखो मिल गया। अगर आपको भी देखना है तो मैं अपने इस वीडियो के लास्ट में अपना इंस्टाग्राम की आईडी ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा किस वेबसाइट पे आपको ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी फ्री में। बस अनकट नहीं था, बस और नॉर्मली वेब सीरीज था। तो वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप हमारे नए आए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अब हम आपसे किसी और नए वेब सीरीज अपडेट के बारे में, तब तक के लिए गुड बाय।